मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 नेम डेंस मटेरियल्स इन विच यू टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। इसके अंदर जो है अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे, लाइक व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। देखो नेचर के अंदर जितने भी लाइक थिंग्स पाई जाती है, जितने भी मटीरियल्स पाए जाते हैं नेचर के अंदर, जितने भी मटीरियल्स पाए जाते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे, लाइक जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसी के बिहाफ पे जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। नंबर 1 इज मेटल्स, नंबर 2 इज नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स, द मटेरियल्स, द मटेरियल्स थ्रू व्हिच electricity passes easily. Right? The materials through which electricity passes easily, the materials, the materials are known as metals. Materials are known as metals. If we talk about examples, जिनके भी wires बने हुए होते हैं, just like if we talk about copper, or like aluminium, or like iron, gold, silver, these all are example of metals. What are metals? Metals are the material through which electricity passes easily. If you talk about examples like copper, aluminium, iron, gold, silver, these all are examples of metals. So generally we can say conductive materials are known as metals. Conductive materials Conductor materials are known as metals, right? Obviously, जिनके अंदर electricity pass होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? Conductors बोलते हैं. In short words, we can also say conductor materials are known as metals. इसके बाद में अपन बात करते हैं non metals के बारे में. The materials through which electricity doesn't pass the materials. Materials are known as non-metals. The materials are known as non-metals, right? I'm talking about non-metals. Non-metals जो है ऐसे materials होते हैं जिनके अंदर electricity pass नहीं होती है. अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि metals के अंदर electricity pass होती है, metals जो है conductor होते हैं, non-metals जो है इनके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जनरली इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर poor conductor of electricity, right? इनके अंदर electricity जो है easily pass नहीं होती है, right? क्योंकि इनके अंदर जो है free electrons नहीं पाए जाते हैं. अपन electricity, conductness इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, that we all are talking about free electrons.
मेटल्स के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी इजी से पास हो जाती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव नहीं करते हैं, एक्चुअली इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये नॉन कंडक्टर या फिर जो है इंसुलेटर या फिर पूरे पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इनमें अगर एग्जाम्पल की बात करें जस्ट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इट मीन्स वी कैन से जितने भी गैसेस मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे के सारे नेचर में कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, राइट। गैसेस आर द बेटर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स। सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, टुमोरो वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स के अंदर कौन कौन से जो है कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ऑलराइट। और नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, नॉन मेटल में जो है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।